हो रहा। रघुनाथ महतो एक काल्पनिक है और ये सृजन करता है शैलेंद्र महतो जी पुस्तक के हिसाब से, और इस पुस्तक के हिसाब से इसके हिसाब से है कि उनको आजीवन कारावास होता है। हाँ, मतलब ये, और ये 63 में आजीवन कारावास 63 में। अच्छा, और इसमें होता है फांसी, यानी कि पूर्व विधायक रह चुके हैं सूर्य सिंह बेसरा जी। हमारे ये पब्लिक एक्शन न्यूज में ये बात नहीं कही है, लेकिन सोशल संवाद में आपको ये बात उनको जरूर सुनने मिलेगा। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जमशेदपुर से, जिस हिसाब से चौहाड़ विद्रोह यानी कि चौहाड़ विद्रोह को लेकर के चौहाड़ सेना के मतलब आंदोलन जिस प्रकार से हुआ, आप लोगों ने देखा आम बागान में पियान जमशेदपुर में एक बड़ा रैली किया गया था। अभी उसके बाद और एक इस हिसाब से हो रहा, इन्होंने और एक बार बोल रहे कि हम एक बार और एक बार, जिसके हिसाब से हमारे को इतिहास हमारा है लेकिन कोई और लेके जा रहा, इसको जवाब में एक ये आवाज देना चाहते हैं कि रिप्रेंस देना चाहते हैं, इस प्रकार का बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आशीष सिंह सरदार जी से, तो आपको परिचय देना नहीं पड़ेगा। आज का मुद्दा को लेके आप पहले अपना बताइए। आज तो विशेष करके हम इसलिए आए हैं कि चौहाड़ विद्रोह से संबंधित कुछ बातें जो उन लोग एक भ्रामक स्थिति बना के रखे हुए हैं, उस भ्रामक स्थिति को आज उजागर करना चाहते हैं कि सच्चाई भूमिज के साथ है और रघुनाथ सिंह रघुनाथ महतो वाला विवाद नहीं है, चौहाड़ विद्रोह भूमिज का है। भूमिज ने चौहाड़ विद्रोह किया था और उसका पहला स्वतंत्रता संग्रामी रघुनाथ सिंह नहीं है, उनके दादाजी हैं। रघुनाथ सिंह के दादाजी जगन्नाथ सिंह जो दामपड़ा के जमींदार हैं, 60 मौजा के जमींदार और धालभूम राजा के अंतर्गत तो आते हैं, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी चौहाड़ विद्रोह के महानायक प्रथम वो जगन्नाथ सिंह हैं जो रघुनाथ सिंह के दादा हैं। आज मैं उन्हीं के रेफरेंस में ही ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि चौहाड़ विद्रोह से जितने भी दस्तावेज है वो जगन्नाथ सिंह से शुरू होता है, उसके बाद उनका बेटा बैद्यनाथ सिंह, फिर उनका बेटा रघुनाथ सिंह, ये तीन जनरेशन लड़ाई करते हैं और धालभूम राजा के साथ जुड़े हुए हैं। जो जब जगन्नाथ सिंह थे, जगन्नाथ धवल देव जो धालभूम के राजा थे, जगन्नाथ धवल देव, उनके समय में जगन्नाथ सिंह पात्र या जगन्नाथ सिंह वो नेतृत्व प्रदान किए थे चौहाड़ विद्रोह का। उसके बाद आता है रामचंद्र धवल जो राजा थे धालभूम में, उस समय बैजनाथ सिंह उस समय नेतृत्व दे रहे थे, और जब बारी आती है रघुनाथ सिंह की तो उस समय चित्रेश्वर धवल वो नेतृत्व प्रदान किए थे और साथ दिए थे रघुनाथ सिंह का। तो ये तीन जनरेशन की बातें हैं, धालभूम के राजा का तीन पीढ़ी और दामपड़ागढ़ के तीन जनरेशन, ये लोग साथ साथ चले थे और ये 1766-70 से ही शुरू होते हुए ये 1833-34 तक चला है, और ये लड़ाई बहुत जबरदस्त चला और पूरा जंगल महल क्षेत्र में ये इस तरह से चलता रहा। तो आप चौहाड़ विद्रोह से बात कर रहे हैं कि चौहाड़ विद्रोह को आपने पूरा उसका इतिहास बता रहे हैं, तो इसमें जिस हिसाब से अभी महतो समुदाय यानी कुड़मी समुदाय ने अपना रघुनाथ महतो का जिक्र कर रहे हैं, तो ये रघुनाथ शहीद रघुनाथ महतो का जिक्र कौन सा ये में मतलब कौन सा स्टेज में हो रहा? रघुनाथ महतो एक काल्पनिक है और ये सृजन करता है शैलेंद्र महतो जी, उन्हीं के सपनों का वो मान इतिहास पुरुष बने हैं, पूरी पूरी काल्पनिक है, वो कहीं अस्तित्व में नहीं है। और उनका जो दावा वो कर रहे हैं, मैं आज दिखाना चाहूंगा कि अनुज कुमार धान की किताब का उन्होंने जिक्र किया झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को भी अनुज कुमार धान का किताब दिखाया था, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये झारखंड अनुज कुमार धान का, इसमें मंजू ज्योत्सना खुद बोल रही है कि सारा किताब को लिखने का श्रेय अनुज कुमार धान नहीं है, वो इसका पूरा जब तक नहीं लिखे थे, 2008 में उनका देहांत हो जाता है, 2006 में इनका देहांत होता है, इसमें लिखा है इस किताब में, और ये बुक पब्लिश होता है मंजू ज्योत्सना के द्वारा, जो बाद में बस रघुनाथ महतो का एकदम लास्ट में दिया गया है, थोड़ा सा इस किताब का अंत में, इस किताब का अंत में है ये सब, अनुज कुमार धान पहले लिख चुके हैं, खाली ये वो कर नहीं पाए थे, पब्लिश नहीं कर पाए थे, तो उसका जिम्मेवारी मंजू ज्योत्सना जी करती हैं और अपना नाम इसमें लिख देती हैं, और लास्ट में थोड़ा सा रघुनाथ महतो इतना सा लिख देते हैं,
पूरा पूरा षड्यंत्र का बात है। और मतलब आपका कहना है ये जो झारखंड अनुज कुमार दान का जो पुस्तक है ये अनुज कुमार दान ने कंप्लीट नहीं किया? नहीं, थोड़ा सा बाकी रह गया था, पब्लिश नहीं करा पाए थे और वो गुजर जाते हैं, स्वर्गवास उनका हो जाता है। डेट आपने बता रहे हैं ये है 2008 में पब्लिश हुआ है, 2008 में, तो और वो 2006 में देहांत होता है उनका। उनका मतलब अनुज कुमार दान का देहांत 2006 में होता है? 2006 में वो देहांत होता है उनका। 2006 में देहांत होने के बाद ये पुस्तक पब्लिश हुआ है। मंजू ज्योत्सना जी वो पब्लिश कर दी है, वो पब्लिश कराई है। अच्छा, इस बुक को लास्ट में उन्होंने रघुनाथ महतो को इसमें ऐड किए हैं और इस बुक को पब्लिश कराने का पूरा श्रेय मंजू ज्योत्सना पर जाता है। अच्छा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये आपका कहना है कि अनुज कुमार अगर दान होते तो ये जो रघुनाथ महतो का जो कुछ जिक्र हुआ है जी, इसका जिक्र होता है या नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि वो तो वास्तविकता में रहते, इस तरह का गलत काम वो करते ही नहीं, उनकी जीवित अवस्था में संभव ही नहीं था। अच्छा, वो चल बसे थे 2006 में और 2008 में मंजू ज्योत्सना इसको पूरा करती है। अच्छा, और पब्लिश कराती है 2008 में उनके अनुपस्थिति में। ठीक इसी तरह का और जिक्र आता है आपका पशुपति प्रसाद महतो, जो वो है आपका ये आपका के एस सिंह, पीपल ऑफ इंडिया बिहार इंक्लूडिंग झारखंड, इसमें के एस सिंह के द्वारा इसमें भी जो है पशुपति प्रसाद महतो का जो आया है ये बाद में एडिट किया जाता है। जब सुरेश सिंह जी का देहांत हो जाता है बाद में और भी बहुत लोग इसमें आते हैं, उसको टॉपिक जोड़ा जाता है, एड होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे जोड़ा गया रघुनाथ महतो का। अब यहाँ उल्लेखनीय बात अभी ये भी है कि इसमें जो पशुपति प्रसाद महतो जी ने जो लिखे हैं उसमें लिखते हैं कि 1763 में एक जगह इनका बुक में है कि ये फांसी दे दी गई, फांसी दे दिया गया, ये पशुपति प्रसाद महतो इसमें लिखते हैं किसको इस बुक में दे गया, रघुनाथ महतो को फांसी दिया गया, ये लिख रहे हैं। अच्छा, मैंने पशुपति प्रसाद महतो लिख रहे हैं इस पुस्तक में। और जब इसी चीज को हम लोग यहाँ देखते हैं, एक बंगला बुक है जो वहां से बंगला से आया है, स्वाधीनता संग्राम में शहीद स्मरण लोक उत्सव बंदोयान पुरुलिया, इसमें आया है, इसमें भी लिखा गया है जंगल मोहलेर इतिहास और जनगोष्ठी डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो डिलीट मानव विज्ञानी सदस्य आदिवासी और लोक संस्कृति केंद्र पश्चिम बंग सरकार। इसमें इन लोग ने क्या लिखा है कि रघुनाथ महतो को और केसुवाड़ी, इसमें ये लोग साल का जंगल में ब्रिटिश का था साल काट रहे थे, साल गाछ बड़ा बड़ा पेड़ होता था, वो यूरोप भेज रहे थे इसलिए वहां पर सबर लोगों का विरोध हुआ खड़गपुर के सामने में केसुवाड़ी में, और केसुवाड़ी जो है एक खड़िया होता है उसका नेता होता है लोधा खड़िया ये सबका केसुवाड़ी, उसको फांसी हो जाता है और रघुनाथ महतो को आजीवन कारावास में डाला जाता है, वो इस किताब में लिखा है आजीवन कारावास। इसमें हो गया 1763 का बात है, मतलब इसमें रघुनाथ महतो ये शहीद रघुनाथ महतो को फांसी और इसमें आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। और इसमें शैलेंद्र जी थोड़ा दो कदम और आगे, उनका कहना है कि सिल्ली में जाके 1778 में सिल्ली में गोली खा के मर जाते हैं, वहां शहीद बताते हैं गोली खाए हैं। और एक इसमें पशुपति प्रसाद महतो का जो ये बुक है इसमें इसके हिसाब से फांसी होती है 1763 में, फांसी होती है इस पुस्तक के हिसाब से, और इस पुस्तक के हिसाब से इसके हिसाब से है कि उनको आजीवन कारावास होता है। हाँ, मतलब ये, और ये 63 में ये आजीवन कारावास 63 में। अच्छा, और इसमें होता है फांसी 63 में, 1763 में फांसी। और शैलेंद्र जी के हिसाब से, हाँ, उनका समर गाथा जो पुस्तक है उसके हिसाब से उनको 1778 में गोली लगता है, वो भी सिल्ली में, तमाड़ क्षेत्र के सिल्ली में, बुंडू क्षेत्र होगा वहां पे, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र है, वहां एक गांव है, उस गांव में आंदोलन कर रहे थे और उनको गोली लगती है अंग्रेज का और वहां उनको शहीद हो जाता है, गोली खा के शहीद हो जाते हैं। बिल्कुल, अब ये क्या सच है अब तो थोड़ा सोचने वाली बात होगी। आदमी एक आदमी को इस प्रकार तीन अलग अलग तर्क देना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग बात करेंगे उनसे भी कि संभव एक क्या हो सकता है कि तीन अलग अलग पुस्तक में अलग अलग पॉइंट आपने खोज निकाला है ना। तो और आपके पास ऐसे क्या है कि मतलब अभी अभी वर्तमान में अभी 21 मार्च को इस बुक में जो लिखा गया है उसको मैं पढ़ देता हूँ, ये इस बुक का
यहाँ जो लिखा गया है ये आप समझ सकते हैं, व्हेन द ब्रिटिश वे डिस्ट्रॉइंग द साल फॉरेस्ट एंड एक्सपोर्टिंग द साल वुड्स टू यूरोप द लोधा सर्वर्स ऑफ डैम जंगल महल रिवोल्टेड अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ये पशुपति प्रसाद महतो जी बता रहे हैं। द लीडर्स ऑफ द फर्स्ट फॉरेस्ट मूवमेंट केसुआरी एंड रघुनाथ महतो वे आर हैंग्ड इन 1763 एट केसुआरी नियर खड़गपुर वेस्ट मिदनापुर। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पशुपति प्रसाद महतो कि केसुआरी और रघुनाथ महतो को एक साथ फांसी दे दिया गया खड़गपुर के सामने में 1763 में 1763 में। ये इस बुक में है। और इधर में ये पश्चिम बंगाल से उन लोग का एक किताब है यहाँ भी, तो इसमें बताया गया कि केसुआरी को फांसी हो रहा है 63 में और रघुनाथ महतो को आजीवन कारावास हो जाता है। और समर गाथा में जो शैलेंद्र जी लिखे हैं उसमें बताया गया कि 1778 में उनको गोली लगी, आंदोलन कर रहे थे गोली लगी और आंदोलनरत में गोली लगने के कारण वो उनका देहांत हो जाता। आप ये तीनों किताब में से फर्जी यानी कि असली फर्जी किसको मानते हैं? ये तीनों के तीनों फर्जी है, क्योंकि रघुनाथ महतो नाम का कोई आदमी ही नहीं। तीनों को आप असली नहीं मान रहे? नहीं मान रहे हैं, क्योंकि रघुनाथ महतो पैदा ही नहीं हुए। यानी कि शैलेंद्र महतो जी बोल रहे हैं कि असली में उनका गोली लगा, वो भी आप उनको भी फर्जी मान लिया? हाँ एकदम। और ये जो बता रहे हैं कि 1763 में ये फांसी दिया गया, इसको आप क्या मानते हैं? ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इन्होंने पशुपति प्रसाद महतो ने एक गीत का हवाला देते हैं। एक गीत वहां पर है, वो गीत भी आपको हम सुना देना चाहते हैं। उसके आधार पर उन्होंने ये वाला कल्पना से इतना बड़ा मैंने महान चुवाड़ विद्रोह का नेता का आकलन कर लिए। रुकिए रुकिए एक मिनट, गाना तो कहाँ गया? हाँ ये वाला देखिए। ये गाना है जो लोकोक्ति है, एक गाना आया, ताई आजो एक झुमुर गान सुनते पाई। ये पशुपति प्रसाद महतो का कहना है। वो गाना क्या है? झुमुर गान, केसु वाली फांसी हो लो, रघुनाथ महतो बनाई गेलो, बांस बने डॉम हो लो काना, रागे ज्वेल से जंगल महल थाना। इसके आधार पर उन्होंने केसु वाली और रघुनाथ महतो को एक विशाल विद्रोह का नेता घोषित कर रहे हैं, एक झुमुर गाना को आधार बनाते हुए। ऐतिहासिक रेफरेंस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक गाना है, वो भी एक झुमुर है। ये कितना सच कितना झूठ वो जाने, और ये गाना कहाँ चला, किधर चल रहा है, कहाँ इस तरह का है, तो इतिहास तो ये नहीं हुआ। उनका जन्म स्थान उनका कहाँ क्या? अब शैलेंद्र जी का अगर माने तो उनका जन्म स्थान है निमडी प्रखंड बराभूम राजा के अंतर्गत, और लड़ाई लड़ रहे हैं कहाँ? ढालभूम राजा के अंतर्गत, और दोनों में दोस्ती होता है, फूल मितान होता है, ये सब बातें भी आया है। बिल्कुल, तो ये सब सारा का सारा गलत है। जबकि हम लोग यहाँ बता देते हैं ये आपका चुवाड़ विद्रोह वाला, चुवाड़ विद्रोह में यहाँ पर जो है भूमिज के साथ जो जोड़ा गया है, इसमें सैकड़ों मैंने इतिहास की पुस्तकें हैं जिसका यहाँ जिक्र है, इतिहासकारों का जिक्र है, सरकारी गेजेटियर्स का जिक्र है। इसमें एक एक पन्ना दिखा सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे, जैसे ये सब देख सकते हैं आप, अगर यहाँ देखना है, बाद में इसका जरूरत पड़ेगा हो सकता है तो ये सब दिखाया जाएगा जहां जरूरत पड़ेगा। ये सारा का सारा ये चुवाड़ विद्रोह से संबंधित है, मतलब इसको आप ये भूमिज के साथ चुवाड़ विद्रोह को जोड़ा गया है, ये इसमें है, इसमें सैकड़ों प्रूफ है, सैकड़ों प्रमाण है इसके आधार पर। अब ये उनका जो है शैलेंद्र जी का एक और दावा होता है, एक नजर पुरुलिया, ये देख लीजिए, ये किताब है, इसमें कहीं कुछ नहीं है जन्म स्थान शहीद स्थान या उनका लड़ाई से कोई संबंध, कौन अंग्रेज अफसर थे, किससे लड़ा, कुछ नहीं, सिर्फ एक नाम है रघुनाथ महतो, और उसमें हमारे भूमि समाज के भी जो वीर पुरुष हैं शहीद हैं उनके नाम के साथ इनको जोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब ये हर जगह इस तरह का झूठा प्रयास और मैंने बहुत गलत बात है, एक शहीद का अपमान ये लोग कर रहे हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है चुवाड़ विद्रोह, ये यहाँ पर है एक नजर पुरुलिया, और इसमें श्रमिक सेन का है, कुछ नहीं है। देखिए मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं क्या लिखा गया है। यही विद्रोह नेतृत्व देवार उल्लेखयोग्य व्यक्ति छिलेन रघुनाथ महतो गंगा नारायण बुली महतो प्रमुख, बस यही है और कहीं कुछ जिक्र नहीं है इस किताब में। तो इसके आधार पर भी बोल रहे हैं चुवाड़ विद्रोह का नेता रघुनाथ महतो हो गया। इस किताब जो लिखा हुआ रघुनाथ महतो तो इसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ, लेकिन इसका आधार कहाँ है, रेफरेंस कहाँ है, कहाँ से आया, कोई परिचय नहीं है, कहीं कुछ नहीं है।
और ये देखिए ये आया है आपका 99 से आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि ये जो रघुनाथ महतो वाला जो यहाँ जो आया नाम, ये 2008 के बाद आया है। अच्छा, उससे पहले जो प्रिंट आउट हुआ है श्रमिक सेन की किताब में, इन्हीं का किताब में, वहां पे इनका जिक्र नहीं था। अच्छा, 2008 के बाद नहीं, उसके बाद में इनका नाम आया है। इससे अभी हम लोग को क्या समझ में आएगा? तो सरासर अगर वो व्यक्ति होते, श्रमिक सेन लिखे हैं चुवाड़ विद्रोह के बारे में, तो शुरू से ही उनका नाम कर लेते, जब से पब्लिश हो रहा है। बिल्कुल, 2008 के बाद से क्यों आ रहा है? एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और रेफरेंस के देखिए, कोई भी व्यक्ति है इतिहास में है, इतने सारे किताब है, बताए ना सैकड़ों बुक्स है, गजेटियर्स है, सभी में रघुनाथ महतो के जो वंशज हैं वैद्यनाथ सिंह उनके पिता, उनका जिक्र है। और वैद्यनाथ सिंह के जो पिता जगन्नाथ सिंह जो लड़ाई लड़े हैं, इसमें ढेरों उदाहरण है आपको बता रहे हैं। जैसे एक किताब है द भूमिज रिपोर्ट, चुवाड़ रिबेलियन, इसे में पूरा का पूरा जो भूमिज लोगों ने लड़ा 1767 से 68 से जो चला, ये लड़ाई आपका 1833-34 तक ये चलता रहा, कहीं रुका नहीं। और उसका सीधा साधा जीता जागता सबूत है दामपड़ागढ़ में, धलभूम राजा के अंतर्गत दामपड़ा जमींदार जो प्रथम जनरेशन था आपका जो जगन्नाथ सिंह, वो लड़ाई स्टार्ट करते हैं धलभूम के राजा के अंतर्गत, वो है आपका जगन्नाथ धल। उस समय से, उस समय जगन्नाथ सिंह थे, उसके बाद में आते हैं बैजनाथ सिंह। किस प्रकार से सोशल संवाद में सूर्य सिंह बेसरा ने, पूर्व विधायक रह चुके हैं और आप जान रहे होंगे, उन्होंने सोशल संवाद में कमेंट किया है कि बताया है कि भूमिज विद्रोह आप लोगों का स्पेशली आप लोगों का हाइये है, फिर आप लोग चुवाड़ विद्रोह में क्यों दावा कर रहे हैं, और चुवाड़ विद्रोह यानी कि मतलब अलग है, इस प्रकार का बात कर रहे हैं। देखिए इसमें तो हम एक ही चीज कहेंगे कि सूर्य सिंह बेसरा जी हमारे इतिहास को पढ़े नहीं है, या फिर स्वतंत्रता संग्राम में जो झारखंड के अभी जो झारखंड बना है, धलभूम में क्या हुआ, बराभूम में क्या हुआ, मानभूम में क्या हुआ, ये सब की जानकारी हमारे सूर्य सिंह बेसरा जी को नहीं है। राजनीतिक जानकारी हो सकती है, इतिहास की जानकारी की कमी है उनमें। अब इतने सारे जो इतिहासकार ने जो लिखा है, ये दस्तावेज जो है, ये क्या झूठ है? ये तो हम लोगों ने नहीं लिखा, यहाँ जो बताया गया एक एक चीज है, एक एक पन्ना देख लीजिए, ये एक एक पन्ना, ये हमारा लिखा हुआ तो नहीं है, हमारे समाज का किसी ने नहीं है। अभी ये वाला H.H. रिजले ने कहा है द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द बंगाल 1892 का लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो बेसरा जी को पढ़ना चाहिए ये सब चीज। इसमें लिखा है द भूमिज ऑफ द जंगल महल वेयर वॉन्स अंडर द निकनेम ऑफ चुवाड़ रॉबर्स ब्रैकेट में लिखा गया द टेरर ऑफ द सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स मतलब एंड देयर वेरियस आउटब्रेक्स वेयर कॉल्ड चुवारीस मतलब स्पेशल तो, इसमें भी लिखा हुआ था भूमिज ऑफ द जंगल महल वेयर वॉन्स अंडर द नेम चुवाड़ मतलब को चुवाड़ बोला गया, हमको बोला गया, भूमिज को बोला गया। तो चुवाड़ शुरू से है, 1767 से है और लोग लड़ रहे हैं, हर बुक में चुवाड़ रिवेलियन लिखा गया है। नहीं तो, ये सवाल उधर से था इसलिए हमने इस नहीं ठीक है, अच्छा सवाल है। अभी टी डाल्टन 1872 में लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, एक मोटी सी किताब है, बड़ी सी किताब, ये दिखा देते, ये वॉल्यूम 1 है, ये देख लीजिए इतनी मोटी किताब, इसमें लिखा गया है। ये इनको पढ़ना चाहिए बेसरा जी को, तब बात करें, या भूमिज रिवोल्ट पढ़े, या इतना सारा अभी जो मैं बता रहा हूँ ईटी डाल्टन का जो मैंने बिंदु दिखाया, ये ईटी डाल्टन की है, ठीक है। इसमें है 1872 में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है इसमें भी उसे लिखा है, देखिए द भूमिज ऑफ द जंगल महल, ठीक है, वेयर ऑन्स अंडर द निकनेम चुवाड़ द टेरर ऑफ द सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट एंड देयर वेरियस आउटब्रेक्स वेयर कॉल्ड चुवाड़ीस, इसमें वही चीज उन्होंने लिखा है, इसमें सारा चीज है, यहाँ द भूमिज यहाँ लिखा हुआ है, द भूमिज देख सकते हैं। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ठीक है, हम देख रहे हैं, ये तो, आप रेफरेंस दिखा रहे हैं जितना भी। अच्छा, इसमें ऐसे ही हम निकाले, इसमें देख लीजिए FC डेली 1916 में लिखे हैं, मैनुअल ऑफ क्रिमिनल क्लासेस ऑपरेटिंग इन बंगाल 1916 की है, इन्होंने भी सीधा लिखा है इन द लास्ट सेंचुरी द भूमिज ऑफ द जंगल महल्स हु वेयर स्पोकन ऑफ एज चुवार्स रोबर्ट्स ब्रैकेट में दिखा है वेयर ए टेरर ऑफ द पीपल ऑफ मिदनापुर माकुरा एंड मानभूम, साफ लिखा हुआ है, FC डेली ने लिखा है, BK गोखले ने, देखिए किस समय का लिखे हैं ये, फाइनल रिपोर्ट ऑफ द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मानभूम
ये लिखा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बिहार एंड उड़ीसा, ये है 1918 टू 1925। इसमें इन्होंने लिखा है, ये किसको लिखे हैं देखिए, फॉर्म लिखा गया है राय बहादुर सीसी मुखर्जी सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये लिख रहे हैं। अच्छा, मुखर्जी लिख रहे हैं। हाँ, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो है राय बहादुर सीसी मुखर्जी, कौन पोस्ट पर है, सेक्रेटरी टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसको लिख रहे हैं। बिल्कुल, अब तो दस्तावेज हम लोग इतना ही देखेंगे, थोड़ा सा इसका पढ़ दे रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा है, क्या जिक्र किया, इन्होंने लिखा द वर्ड चुआर यूज इन पैराग्राफ 34 एंड एल्सवेयर, कहीं भी लिखा गया 34 में या फिर कहीं और, वाज एपरेंटली ओरिजिनली ए निकनेम गिवन टू द भूमिज, साफ साफ बता दिया यहाँ, बैंडिट्स ऑफ मानभूम अबाउट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, इसमें साफ साफ जिक्र है, कौन लिख रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग अभी परिस्थिति, यहाँ का परिस्थिति को लेकर जी सब किताब को पढ़े, उसके बाद में फिर भूमिज के बारे में, चुआर विद्रोह के बारे में बात करें। बेसरा जी जरूर देखेंगे आपका आवाज को। हम एक कहना चाहेंगे कि अभी जिस हिसाब से तब रघुनाथ महतो को 23 मार्च को जो 21 मार्च को जो मनाया जा रहा है, उसको आप किस प्रकार देखते हैं? झूठ कितना भी चिल्लाए, झूठ कितना भी मतलब अंधेरा फैलाए, जब सच का एक छोटी सी भी चिंगारी जाती है तो अंधेरा भाग जाता है। तो वही हाल होगा महतो समाज के साथ। हमारे सच्चाई जो है बहुत बड़ा है, इस सूरज का समान चमकता हुआ है, भले अंधेरा हो कितना भी कोशिश करे वो तो टिक नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा सच्चाई सूरज का समान है। अच्छा। क्योंकि ये सारा दस्तावेज है, हजारों किताबें हैं, अरे श्रमिक सेन और इधर आपका इस तरह से जो मंजू ज्योत्सना जी जो एक धान के वसात किए हैं, इसमें एक और समरगाथा में रामदयाल जी का नाम जोड़ा गया, वो 10 दिन बाद उनका देहांत हो जाता है, ये भी एक फैक्ट है। हम लोगों को पता चला कि जब समरगाथा लिखा गया था उनका नाम को जोड़ा गया, एनसाइक्लोपीडिया का नाम दिया गया, ऐसा बोलते हैं शैलेंद्र महतो जी, और शैयावस्था में है, मृत्यु शैया में पड़े हुए हैं रामदयाल मुंडा जी, उन्हीं के 10 दिन बाद उनका पुस्तक का विमोचन के 10 दिन बाद उनका देहांत हो जाता है। इस अवस्था में भी उनका उनसे वो वाला नाम को लिया गया, रामदयाल मुंडा जी एक बड़ा हस्ती है ट्रेवल में, बिल्कुल वर्ल्ड के रिनाउंड फिगर हैं, तो उनका सहारा लेके उस किताब का विमोचन करा लेते हैं। और हमारे आदरणीय पूजनीय जो रामदयाल मुंडा जी हैं, 10 दिन बाद तो उनका देहांत हो जाता है। तो इस तरह की कारनामा ये लोग करते रहते हैं। तो आप इसको मतलब ये जो 21 मार्च को होने वाला है, ये जो आप बोल रहे हैं कि शहीद रघुनाथ महतो इस ये में है नहीं है, और आप जिस तरह से चुआड़ विद्रोह का उल्लंघन सिरे लेना का बात कर रहे हैं, यानी कि आपको लगता है कि रघुनाथ सिंह के द्वारा वो लोग चुआड़ विद्रोह पे सिरे ले रहे हैं, आप चुआड़ विद्रोह का ये नहीं करने देना चाह रहे हैं, तो आप इसमें क्या अभी करेंगे कि चुआड़ विद्रोह को सिरे ना लेने के लिए, यानी कि चुआड़ विद्रोह का अब लोग लिख भी दिया है कि चुआड़ सेना कुछ इस प्रकार का संगठन कुछ बनने जा रहा है, तो ये चीज हो रहा, तो आप लोग इसको लेके आप लोग क्या करेंगे, डीसी महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, ये आगे क्या करेंगे? नहीं, इसका बहुत सारा उपाय है, देखिए उसमें हम लोग जो करेंगे वो तो हम लोग तो करेंगे ही, ऐसा नहीं कि नहीं कुछ करेंगे। तो एक मिनट कहाँ आ गया, अच्छा छोड़िए, इसमें एक और है, सबसे बड़ी बात आज हमारा देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हमारा देश में पूरा भारतवर्ष में बहुत सारा, उसमें जितने भी शहीद हुए हैं जिस राज्य में, उन शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले जो हमने किसी वीडियो के माध्यम से देखा, शैलेंद्र महतो जी खुद बोल रहे हैं कि हमारा रघुनाथ महतो का आजादी के अमृत महोत्सव में जिक्र नहीं आ रहा है, हमारा उसमें जिक्र आना चाहिए। इससे हम लोग क्या समझें, इसका अर्थ ये हो जाता है कि भारत सरकार को या फिर हमारे देश के जितने भी राज्य है वहां कहीं भी रघुनाथ महतो को उनका कोई जिक्र पता नहीं चलता है, कहीं उसका योगदान पता नहीं चलता है या उनका अस्तित्व का पता नहीं चलता है, तभी तो वो नेग्लेक्टेड है, तभी उनको कहीं दर्शाया नहीं जा रहा है, ये साफ साफ जाहिर होता है। अगर उनका नाम कहीं भी होता तो इतिहासकार आज के समय में जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, महतो के साथ कोई उनका दुराभास नहीं है, कोई दुर्व्यवहार किसी भी तरह का बैर मैवेनस स्वभाव नहीं है, वो तो उनको दिखाते हैं रघुनाथ महतो को, भले हमारे साथ कुछ कर रहे हैं चलेगा, लेकिन सरकार के साथ कहीं कुछ नहीं है, किसी राज्य सरकार ने ना बंगाल में ना झारखंड में ना बिहार में या कहीं किसी प्रदेश में रघुनाथ महतो का अमृत महोत्सव में योगदान को नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं, इतिहास में उनका जगह ही नहीं है। वो साफ साफ शैलेंद्र महतो जी बोल रहे हैं कि उनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है।
वही चीज अभी हम बात कर रहे हैं, कहा कि आप लोगों ने इतना बड़ा रैली किया, अभी फिर 21 मार्च को होने वाला, इसको आप लोग क्या करेंगे, रोक लगाना चाहेंगे कि क्या प्रयास करेंगे सरकार को, क्या किस क्या आप लोगों का स्टेप क्या रहेगा? हम लोग चाहेंगे कि इसमें हरमोहन जी बड़ा जोर शोर से चिल्ला रहे थे कि हम लोग कोर्ट में जाए, या फिर वो तो एक चीज ये भी कहे कि यहाँ पर डीसी के सामने में हम लोग अपना जो दस्तावेज है उसको प्रस्तुत करेंगे, तो हम लोग इंतजार करेंगे वो अपना क्या दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। अब तक तो जो भी उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किया वो तो कहीं टिक नहीं रहा है, कहीं उसका मतलब कुछ नहीं बचा। आप सीधी सीधी बात ये बता रहे हैं कि वो भी दस्तावेज प्रस्तुत करे और आप भी दस्तावेज प्रस्तुत जरूर प्रस्तुत करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं, अभी तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं, और डीसी मैडम को भी हम लोगों ने अपना तथ्य कुछ प्रस्तुत किए हैं, राज्यपाल को भी कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो चल रहा है रघुनाथ महतो वाला जो प्रकरण, ये 2006 से स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, 2006 से। और ये शैलेंद्र महतो जी ने 2006 में रघुनाथ महतो को जन्म दिए अपना कल्पना से, एक क्रांति क्रांतिकारी किस तरह से उनका एक हेडिंग है उसमें, क्रांतिवीर रघुनाथ महतो का जन्म देते हैं, और उसका भी हमने 2006 में ही खंडन कर दिए पेपर के माध्यम से, न्यूज पेपर के माध्यम, वो भी सारा चीज मेरे पास है, वो भी मैं दिखा सकता हूँ। उसके बाद 2012 आता है, वहां भी वो कुछ हरकत करते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जाते हैं, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कोशिश किया, नामकुम में रांची में 2015 की बातें हैं, 21 मार्च को मूर्ति का अनावरण करना था रघुनाथ महतो का, तो हम लोगों ने फिर वहां गए, रघुवर दास जी से वहां सीएम हाउस में जाकर के मिले, आग्रह किए, हम लोगों ने इतना विनती किया उनसे कि सर आप रघुनाथ महतो से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उनको देख लीजिए, अगर रघुनाथ महतो वास्तव में शहीद हैं, अगर हैं तो हम लोग भी सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पर चुवाड़ विद्रोह से रघुनाथ महतो का कोई नाता नहीं है। हम लोगों को यहाँ पर आपत्ति है कि चुवाड़ विद्रोह से रघुनाथ महतो को जोड़ा जा रहा है, तो हम लोगों ने इतना ही रिक्वेस्ट किए कि सर अगर उनका मूर्ति अनावरण करना है तो उनसे पहले आप उनके दस्तावेजों को देख लीजिए, अगर उनके दस्तावेजों से आप मैंने ये हो जाते हैं कि हाँ संतुष्ट हो जाते हैं कि रघुनाथ महतो एक शहीद है, उनका दस्तावेज सही है, तो आप अनावरण कीजिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, पर सर आपको उस इतिहास को देखना पड़ेगा, और हम लोग जब लाए हैं इतिहास का दस्तावेज आप देखिए, तो उनके जो प्रतिनिधिमंडल है वो सब देखते हैं, और ये होता है कि उसमें रघुवर दास जी दूसरे दिन अनावरण के लिए नहीं जाते हैं कि उनको पता चल गया कि ये जो है काल्पनिक पुरुष है, इनका तथ्य नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है, तो उन्होंने ये किया कि वो गए नहीं, और उनका मूर्ति 8 महीना तक नामकुम में 2015 का 21 मार्च से लेके 8 महीना तक वो मूर्ति हरा कपड़ा से ढका हुआ था। मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है, जो 2015 की बातें हैं। बाद में जो मूर्ति रखी गई थी उस मूर्ति को मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि मूर्ति वही है, लेकिन अभी वो आज तेलंगाना खड़िया के नाम से देख सकते हैं, वो रघुनाथ महतो की मूर्ति थी जो अनावरण नहीं हुआ, आज उनका वो मूर्ति तेलंगाना खड़िया के नाम पर है, हमारे शहीद हैं तेलंगाना खड़िया जी, सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं, और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, एक खड़िया का इतिहास में दर्ज है, खड़िया का पॉपुलेशन जनसंख्या कितना है, लेकिन जब उन्होंने लड़ा तो इतिहासकारों ने उनका सम्मान दिया, और तेलंगाना खड़िया का मूर्ति है, उनका इतिहास है, सारा चीज है। तो हम ये कहना चाहते हैं जब एक खड़िया समुदाय, आज के डेट में देख लीजिए खड़िया का क्या अस्तित्व है हमारे किसी भी बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, खड़िया लोग तो इधर ही है, आज कितनी जनसंख्या बची है, लेकिन वहां भी जो विरोध करते हैं तेलंगाना खड़िया, उनका आज इतिहास में नाम दर्ज है। तो इतने बड़े शहीद हुए हैं, इतने सारे आंदोलन किए हैं, इनका नाम इतिहास में क्यों नहीं है, हमारा प्रश्न यहाँ उठता है। ठीक, अच्छा एक चीज और बताना चाहेंगे, वहां पे एक दूसरा रघुनाथ महतो का मूर्ति को खड़ा किया गया, ये हुआ है कोरोना काल में, कोरोना काल में 2020 की बातें हैं, 21 मार्च को ही शायद उन्होंने किया है, लेकिन कोरोना काल में हम लोग को पता नहीं चला, कहीं प्रेस मीडिया में आया नहीं, कोरोना काल में तो किसी को यहाँ वहां जाना निषेध था, तो उसी में कोरोना काल में कांग्रेस के एक विधायक जी हैं श्री रामेश्वर उरांव जी, उनके कर कमलों से रघुनाथ महतो का मैंने उनको भी चलाकी से, जिस प्रकार से हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ हो रहा था अनावरण के लिए, सभी महतो नेता उनको घेरे हुए थे, चंद्र प्रकाश चौधरी, रामटहल चौधरी, सुदेश महतो, आपका विद्युत महतो, साधु महतो, अभा महतो, शैलेंद्र महतो जी, सभी महतो जी मिल करके रघुवर दास जी को इस षड्यंत्र का हिस्सा बना रहे थे। ये तो गनीमत मनाइए,
कि हमारे माननीय रघुवर दास जी वहां नहीं गए और ये जो अभी चल रहा विवादित मुद्दा उनसे वो बच गए। लेकिन अभी रामेश्वर उरांव जी को देखिए, उनको कुछ जिस तरह से इन लोगों ने लिया कोरोना काल में चुपके से जाके अनावरण करवा दिए विधायक जी से, आज वो मूर्ति वहां पर है। और वो बोलते हैं देखिए देखिए झारखंड में रांची में एक मूर्ति तो लगा है, ये इनका कहना है। तो अभी तो हम लोग इस मुद्दे पे बात कर लिए, आपका बात लोगों को समझ में आएगा, ये हर जगह जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपके समाज को एक आपके तरफ से एक मैसेज या संदेश दे दीजिए और यहीं पे हम लोग आज का संवाद को खत्म करेंगे। मेरा बहुत बड़ा नम्रता के साथ बहुत ही अनुरोध विनती पूर्वक हम करेंगे हमारे समाज के बुद्धिजीवियों से और हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जो भी हमारे भूमिज मुंडा के नाम से चलाते हैं संगठन, ये सभी की जिम्मेदारी होती है कि हमारे पुरखों का और हमारे इस देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी जो आदरणीय स्वर्गीय शहीद जिनको श्रद्धा से नमन करना है और हमारे भारत देश को भी, हमारे झारखंड राज्य को भी, सभी देश की जनताओं को आज समझना चाहिए कि सशस्त्र संग्रामी जो हुए हैं वो हमारे आदिवासी समाज से, जो भूमिज मुंडा समुदाय भूमिज से आते हैं और डंपड़ागढ़ के जमींदार जो प्रथम आंदोलन करते हैं, सशस्त्र आंदोलन करते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, उस शहीद को जानना चाहिए और उनके सम्मान की रक्षा हमारे जो जिस वंश के हैं, हम उनके वंशजाज हैं, तो हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा कर्ज है कि उनके उस कर्ज को जो उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया है, भारत में सबसे पहले जो विद्रोह किया अंग्रेजों से लड़ने का वो हमारे समाज को जाता है, तो उन वीर पुरुष को, प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी को सम्मान देना चाहिए और उनके नामों को आज देश दुनिया में जाने, उसके लिए हमारे सभी संगठन को आगे आकर के एकजुट होकर के प्रशासनिक स्तर पर और ग्रास गांव गांव घर तरफ से होते हुए सरकारी महकुमा में, चाहे जिला हेडक्वार्टर्स हो या प्रदेश का हेडक्वार्टर्स हो या दिल्ली का दरबार हो, हर जगह में हमारे हमारे शहीद जो हुए हैं, हमारे शहीद नहीं, हमारे देश के शहीद जो हमारे समाज को गौरवान्वित किए हैं, उनके सम्मान में, उनके सम्मान की रक्षा में आन बान शान जान भी लगा देनी चाहिए, जान की बाजी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए, उनके पुरखों का सम्मान हमारा परम कर्तव्य है। तो आइए हम सब मिलकर के उनको सम्मान दिलाने के लिए एकजुट होकर के बहुत जल्द इसके बारे में एक कड़ा और सामूहिक प्रयास हम लोग करें। बिल्कुल, सभी को यही मेरा विनती रहेगा। तो आप सभी को पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम एक संवाद करना चाह रहे हैं, आप लोगों को एक संवाद देने का बात कर रहे हैं, एक बात आपके परिचय ये देने का बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे को पब्लिक एक्शन न्यूज यानी कि हमारे ओर से सभी शहीदों को होलज्वार करते हैं और उम्मीद रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को जन जन तक शेयर करेंगे और इस वीडियो को कंट्रोवर्सी में ना लेते हुए, ये वीडियो को संवाद की तरह लेते हुए आप लोग इस वीडियो को लेंगे और आप लोग शेयर जरूर करेंगे और एक जो सब्सक्राइब बटन है इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आने वाला डेट में आप सभी के पास अन्य भी इस तरह का बहुत सारा वीडियो जो आएंगे जो आप लोगों को देखने का ये होगा। तो पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।